फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशाज क्रिएटिविटी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। 2-3 दिन हो गए हैं लगातार, रोज़ रात को बारिश होती है, तो मेरे पौधों में पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या करती हूँ कि अपने पौधों में जितना एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग हो जाती है पौधों में, तो वो जो है वो उसकी प्लेट्स जो रखती हूँ उसके नीचे, उसमें से ड्रेन आउट कर देती हूँ मॉर्निंग की अपनी बैल्कनी क्लीनिंग करने से पहले। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक ऐसे शॉपिंग जो कि मैंने रिसेंटली अभी की थी। आपको दिखा दूँ, देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है ना। तो ये ओवर वाटरिंग आपके पौधों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप भी, मैंने आपके साथ में कल या परसों, 1-2 दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था अपने एक नर्सरी टूर जो कि जहाँ पर मैं गई थी, और वो मुझे काफ़ी सस्ता लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बड़ा भी था काफ़ी नर्सरी वो। तो वहाँ से मैं काफ़ी सारे पौधे खरीद करके लेके आई, तो वो काफ़ी सस्ते मुझे मिले। मतलब जितनी भी नर्सरीज़ में मैं अभी तक गई हूँ उसमें से काफ़ी सस्ते वो पौधे मिले हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये दिखा देती हूँ आपको। उससे पहले ये एक नया गुलाब खिलने वाला है, और अपराजिता पर देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, आपको दिख रहे हैं। ये अभी बारिश की वजह से वो थोड़े से छिप गए, ये देखिए इस साइड में भी हैं, पीछे के साइड में भी है। मतलब इतने फूल खिले हुए हैं इसके ऊपर कि मतलब लदे हुए हैं। वो तो मैंने इसको रखा हुआ है थोड़ा सा छिपा करके, मतलब कि छनी भी धूप आती है इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में रखूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, तो इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। तो चलिए पहले दिखा देती हूं आपको मैं कौन से प्लांट्स की मैंने शॉपिंग की है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों तक उस नर्सरी की जानकारी पहुँचे। तो अगर आप ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला में हैं तो इधर आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और नर्सरी नहीं देखी है तो उसका वीडियो मैं आई बटन पर दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको शॉपिंग। 2 दिन हो गए हैं मुझे शॉपिंग करके आए हुए, और 2 दिन से मैंने, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, जिसकी वजह से मेरे पौधे जो हैं उनमें मैंने पानी नहीं दिया। लेकिन चूँकि मैंने ये शेड में रखे थे इसीलिए इसकी मिट्टी सूख रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें पानी दूंगी और उसके बाद में फिर इनको रिपॉट करूंगी। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका रिपॉटिंग का जो वीडियो है ट्रांसप्लांट का, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। लेकिन मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि उन्होंने प्लांट को रिपोर्ट किया था और उसके बाद में प्लांट सूख गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सही मेथड जाने और किस तरीके से हम करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में। तो ये देखिए मैंने लिया था ये गजानिया के पौधे, एक ये गजानिया लिया था, ये है 20 रुपीज़ में, और ये मरून कलर का गजानिया है। बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं गजानिया पे, मैंने पिछले साल भी लगाया था गजानिया का पौधा, काफ़ी सारे कलर में आता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसका प्राइस था केवल 20 रुपीज़। इसके बाद में मैंने लिया है ये एक पिटूनिया, ये पिंक कलर का है, ये पिछले साल मैंने नहीं लिया था तो इस साल मैंने सोचा कि ये पिटूनिया ले लेती हूँ। ये भी पिंक, ये रेडिश पिंक कलर का है, ये भी एक 20 रुपीज़ में ही मिला मुझे, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था वहाँ पर, मैं जैसे कि कर रही हूँ। और यही प्लांट्स जो फूलों वाले हैं जो मैं पिछले साल लेकर के आई थी, ये मुझे 30-40 रुपीज़ में इस टाइप मिले। और जबकि अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, तो आप देख सकते हैं जब स्टार्ट होता है विंटर सीज़न, तब आप अगर लेकर के आते हैं प्लांट्स तो आपको थोड़े से कॉस्टली लगते हैं या थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी सस्ते मिल गए। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि ये सस्ते हैं, और 20 रुपये से कम तो क्या ही मिलेंगे, है ना। तो ये भी 20 रुपये का लिया मैंने, एक ये 20 रुपये का लिया, एक ये गजानिया मैंने 20 रुपये का लिया है, और इसके अलावा एक और लिया है, आप देख सकते हैं पिटूनिया, ये कितना सुंदर कलर है। और इन दोनों में फ़र्क देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके साइड में इस टाइप से वाइट कलर की स्ट्रिप है और इसमें बीच में है। और पिटूनिया विंटर का बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है। और ये देखिए एक ये मैंने लिया है पर्पल कलर, तो ये भी 20-20 रुपीज़ के ही हैं। और एक पिटूनिया मैंने जो लिया है वो है ये वाला, अब देखिए ये दूसरा अलग सा है। चूँकि मैंने इसमें पानी नहीं दिया है इसीलिए ये पौधे थोड़े मुरझाए हुए से लग रहे हैं। तो अभी मैं बस ये आपके साथ में वीडियो शेयर करके फिर इन सभी प्लांट्स में पानी दूंगी और फिर उसके बाद में मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। तो एक ये पिटूनिया लिया, ये भी मुझे 20 रुपीज़ में मिला, और एक ये पिटूनिया लिया है,
ये भी मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। मतलब काफ़ी अच्छी सारी वैरायटी लेकर के आई हूँ मैं इस बार पिटूनिया की। मुझे पिटूनिया बहुत पसंद है, पिछले साल भी मैंने कई सारे कलर लगाए थे अपने गार्डन में और आप सभी ने पूछा था कि ये कौन सा प्लांट है, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। वैसे तो ये इतना कॉमन सा प्लांट है, हर किसी को पता रहेगा। इसके बाद में जो मैंने ख़रीदा है वो ये है, डायंथस का पौधा। तो डायंथस जो है वो मैंने एक पिछले साल भी लगाया था और वो मैंने बचा लिया है, एक ही लगाया था वो मैंने बचा लिया, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। वो भी पिंक कलर है लेकिन वो थोड़ा दूसरा पिंक कलर है, उसमें वाइट कलर की स्ट्रिप पड़ी हुई है, लेकिन ये डायरेक्ट प्योर पिंक कलर, मेजेंटा कलर का है ये। ये मेरे पास नहीं था तो मेरी इच्छा थी लेने की, तो ये भी मैंने एक परचेज किया है और इसका प्राइस 20 रुपीज़ है। कि काफ़ी सारी नर्सरीज तो ऐसी भी हैं जहाँ पर आप अगर पौधे लेने जाओ तो पौध ही, जो छोटी छोटी पौध होती है ना, वो मिलती है 20-20 रुपीज़ की। और इन यहाँ पर मुझे मिला है क्या बोलते हैं, बिल्कुल तैयार पौधा जो है वो मुझे 20 रुपीज़ में मिला है फ्लावरिंग करता हुआ। तो हुई ना ये अच्छा, अच्छी नर्सरी। तो हालांकि प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये देखिए, एक ये ख़रीदा है मैंने, ये भी डायंथस है। डायंथस के दो कलर हो गए, देखिए अब आपको फ़र्क पता चलेगा। एक ये है पिंक कलर, ये भी पिंक कलर है, और एक दूसरा पिंक कलर था तो वो भी मैंने अपनी बेल्कनी गार्डन में लगाया, वो लास्ट ईयर का है। तो ये सभी 20-20 रुपीज़ के मुझे मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक गजानिया जो है वो ये है येलो कलर में, ये भी मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। तो इतने सारे तो ये विंटर प्लांट लिए हैं मैंने। और एक और है, एक ये है गजानिया, ये भी 20 रुपीज़ में मुझे दिया है। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं गुलदाउदी। गुलदाउदी आप मानेंगे पिछले साल जब मैंने ख़रीदा था तो ये 120 रुपीज़ का ख़रीदा था। एक और ख़रीदा था गुलदाउदी का पौधा, वो ख़रीदा था मैंने वहाँ यहाँ पर ही 80 रुपये का या फिर 100 रुपये, कुछ ऐसे ही रेट था। लेकिन ये पौधा आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल यकीन नहीं होगा, ये केवल 20 रुपये में मैंने लेकर के आई हूँ। अब 20 रुपये में और 120 रुपये में तो आप सोच सकते हैं कितना फ़र्क है। और ये कौन सा वाला कलर है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से पिंक है या येलो है या वाइट है, इन तीनों में से ही एक है। तो अभी बर्ड्स आ रही हैं तो देखते हैं कौन सा पौधा इसमें से फूल कौन सा खिलेगा। तो ये केवल 20 रुपये का है, तो आप सोचिए कितनी सस्ती नर्सरी मुझे मिली है। और अगली बार जब भी शॉपिंग जाऊंगी तो मैं सोचेगा कि इसी वाली नर्सरी में जाऊंगी। और ये देखिए, ये मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, गेंदा का मौसम है आजकल और गेंदा बहुत ही अच्छा लगता है आपके बैल्कनी गार्डन में लगा हुआ। तो आपने अगर अभी तक नहीं लगाया है तो गेंदे का पौधा ज़रूर लगाएं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, कलरफुल लगता है। और अगर आपने गेंदे की भी कई सारी वैरायटी लगा दी है ना अपने गार्डन में तो मतलब कलरफुल सा हो जाता है गार्डन। अब आप देखिए, मैंने ये सारे पौधे इतने इकट्ठे किए हैं तो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के पौधे आ गए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना फूल। और विंटर की यही खास बात होती है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर के, बहुत सारी वैरायटी के साथ में फ्लावरिंग मिल जाते हैं, आप फ्लावर्स लगा सकते हैं और अपने बैल्कनी गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो ये जो, और इसके अलावा एक पौधा है जो कि मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और बहुत नर्सरीज पर देखा, मिल तो जाता था हर नर्सरी पर, लेकिन इसके प्राइस सुन सुन करके मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो मेरी इच्छा थी रखने की, और बहुत ही स्टाइलिश प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, इंडोर भी रख सकते हैं आप उसको, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, मतलब सेमी शेड क्या, शेड में रख सकते हैं आउटडोर, लेकिन शेड में ही रखना है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एयर प्योरीफायर भी करता है, स्टाइलिश प्लांट है, मतलब रिच लुक देने वाला प्लांट है। कौन सा प्लांट है चलिए दिखाती हूँ आपको, और वो है ये प्लांट, इसको देख रहे हैं। ये प्लांट मैं लेने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी, और इस प्लांट में दो कलर आते हैं, एक ग्रीन में आता है और एक ये थोड़ा ब्लैकिश कलर में है। ग्रीन कलर भी मेरे पास मैंने देखा था, वहाँ पर था, लेकिन मुझे ये ब्लैकिश जो है ना कलर वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़ और है इसकी विशेषता, क्योंकि अभी तो खैर ये गंदा हो रहा है तो अभी इसको साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल चमक जाएंगे, इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसका नाम है रबड़ प्लांट, लेकिन रबड़ प्लांट की जो तो रेट है ना हर जगह अलग अलग हैं। तो जब मैंने भी कई नर्सरीज में पूछा 200-250, किसी ने 300 बोला, एक जगह तो मेरे को 450 रेट बोला। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा इतना महंगा प्लांट है तो नहीं लेती हूँ, लेकिन जहाँ अभी मैं गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा केवल ये मुझे 70 रुपये में मिला है,
यानी कि 70 रुपीज़ भी मिला है, तो मैंने तुरंत इसको ले लिया। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्लांट है ये, तो 70 रुपये में इससे सस्ता तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा। तो एक मैंने रबड़ प्लांट लिया है, और एक प्लांट और दिखाती हूँ आपको जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है और जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। लेकिन उस प्लांट की ना मैंने ली है स्मॉल वैरायटी जो हाइट नहीं पकड़ेगा। आजकल तो प्लांट्स जो होते हैं वो डार्क वैरायटी में भी आने लगे हैं, और कुछ होते हैं जो लेंथ पकड़ते हैं। तो मुझे चूँकि बैल्कनी गार्डन के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने उसकी छोटी वैरायटी ली है, यानी कि वो पौधा घना तो रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। तो वो मैंने कौन सा लिया है दिखाती हूँ आपको, और ये है वो पौधा। ये मैंने लिया है क्रिसमस ट्री यानी कि एरोकेरिया। और एरोकेरिया जो है प्लांट, वो एरोकेरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है आपके घर में लगाया हुआ, ऑफिस में, गार्डन में, बैल्कनी में, सभी जगह आप इसको लगा सकते हैं। और इसको सेमी शेड में रखें तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, और वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखें। और ये कई जगह काफ़ी प्राइस थे, और मैंने जो ली है वो इसकी डार्क वैरायटी लिया, यानी कि छोटी ही रहेगी, घनी ज़रूर होगी लेकिन छोटी रहेगी। और आपने मुझे नर्सरी टूर के टाइम पे भी पूछा था कि एरोकेरिया या फिर क्रिसमस ट्री का क्या प्राइस है, तो इसके अलग अलग प्राइस थे। जितना बड़ा आप बड़ी वैरायटी लेंगे या फिर डार्क वैरायटी लेंगे उस हिसाब से इसका प्राइस। लेकिन चूंकि मैंने इसकी छोटी वाली वैरायटी ली है तो इसका प्राइस मुझे काफ़ी कम मिल गया। यह है 120 रुपीज़ में एक प्लांट। तो अगर आप इसे थोड़ा बड़ा वाला लेंगे तो 200 का मिल जाएगा, या फिर अगर आप हाइट वाला लेंगे तो भी 200 का दे रहे थे। लेकिन छोटी जो डार्क वैरायटी होती है वो थोड़ा महंगा होता है, तो इस करके मुझे ये 120 रुपीज़ में मिल गया है। तो ये टोटल यही प्लांट की मैंने शॉपिंग की थी, और इनको जब को रिपोर्ट करूँगी तो आपको शेयर कर दूँगी मैं। तो आज की शॉपिंग मेरी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।